तो भारत में चार जगह पे वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स है। ये है मेनली प्रजनन के लिए और इसमें शगुन का प्रजनन होता है, और उसमें से एक सेंटर है वो राजा भातखावा में है, बक्सा टाइगर रिजर्व में, और वहाँ पे हमने सक्सेसफुली 3 प्रजाति का ब्रीडिंग किया है, लेंडर बिल वल्चर, वाइट बैक वल्चर और लॉन्ग बिल वल्चर। और अभी हमारे पास में 130 के करीब वल्चर्स है जिनको अलग अलग टाइप के घरों में, जिसको हम लोग एवियरी बोलते हैं, एवियरीज में रखा गया है। और सक्सेसफुल ब्रीडिंग होने के कारण अभी हम लोग उसका रिलीज प्रोग्राम बना रहे हैं, और उसके बाद में उसके पीठ में एक छोटा सा ट्रांसमीटर बांध के उसको हम लोग छोड़ देंगे, जिसकी वजह से हमको पता लगेगा कि ये शगुन है, ये वल्चर है, ये कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहा है, ठीक है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये सब चीज़ हम उससे ट्रैकिंग कर सकते हैं। हमारे भारत में 9 प्रजाति का शगुन पाया जाता है, और इसमें से जो जिप्स प्रजाति का जो शगुन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बड़े ग्रुप में रहता है और ये हमारे यहाँ पे जो भी मरा गाय गोरु है उसको खा जाता है और हमारा परिवेश साफ स्वच्छ रखने का काम करता है। सारा देश में भी संख्या बहुत कम है, ये 99% से भी ज़्यादा ख़त्म हो गया है, और ये शेष होने का कारण है एक दवा है, डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक एक NSAID है, माने एक दर्द निवारक दवा है, और ये दिया जाता है गाय गोरु को। और अगर ये दवा देने के बाद में अगर 72 आवर्स में अगर गाय का मृत्यु हो जाता है तो ये दवा उसके लीवर किडनी में रह जाता है, और शगुन तो साफ़ सफाई का काम करता है, तो जब ये वल्चर्स उसको आके खाता है तो ये डाइक्लोफिनेक दवा गाय गोरु के किडनी से या लीवर से ट्रांसफ़र होके शगुन के पेट में चला जाता है, जो शगुन के लिए बहुत ही पॉइजनस टॉक्सिक है, और जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है। और इस टाइप से हमारा जो इंडिया का 99% जो शगुन था वो सब खत्म।